एक्सक्यूज मी, सुनना वो जो सेफ है ना एक्चुअली वाह कितनी गहरी पक्की दोस्ती है ना दोनों में. मैडम सर की जिंदगी में नैना मैडम की जगह कौन ले सकता है? कोई भी नहीं. और ये आप हमें काहे बता रही हैं? ऐसे ही मतलब आपका ये उतरा हुआ चेहरा देखकर हमें लगा कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है. मतलब उन दोनों की जो पक्की वाली ऐसी दांत काटी वाली जो दोस्ती है ना वो आपको अच्छी नहीं लग रही है. इसीलिए तो कहते हैं ना असली दोस्त ही दोस्त होता है, बाकी तो सारे मुंह बोले दोस्त होते हैं. कौन है ये मुंह बोला दोस्त? क्या होता है मुंह बोला दोस्त? वही मतलब जो दो आपस में काम करते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं अरे तू तो मेरा ऐसे मतलब तू तो मेरा दोस्त है रे. वो मगर दोस्ती वोस्ती वाला ऐसा रिश्ता नहीं होता उसमें. बस वो दोस्त दोस्त ऐसा ही होता है वो दोस्त. असली दोस्ती तो ये होती है गहरी वाली पक्की वाली. हो गया षड्यंत्र हमारे कान भरने का. वो कुप्रपंच जो आपके दिमाग में दिन भर चलता रहता है कि कैसे अपने बहू को सताऊं, कैसे उसको उसको दुखी करूं, कैसे उसको परेशान करूं. हो गया मजा आ गया? आया मजा? बहुत. मतलब हम इतना कुछ कह रहे हैं आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनकी दोस्ती देखकर? क्या फर्क पड़ेगा हमको? दोस्ती तो है, दोस्त किसके नहीं होते, तो अच्छा बात है ना उनका दोस्त है. इसमें फर्क पड़ने वाला बात कौन सा हो गया हमको समझ में नहीं आ रहा है. आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है. क्या कह रहा है बताइए, क्या कह रहा है, क्या कहता है हमारा चेहरा समझाइए हमको. थाने में है. नहीं आपका गलती नहीं है पुष्पा जी, काम नहीं है ना थाने में. क्या है, क्या करेंगे? दिन भर आप हवाई किले बनाती रहती हैं, वेतन जो है वो फ्री में उड़ा रही हैं, कोई काम ही नहीं है. चाय खाओ, समोसे खाओ, गोलगप्पा खाओ, चाट खाओ, यही चलता रहता है पूरा दिन. करते हैं हम. करती हैं काम आप, पता चलता है हमें बहुत काम करती. अब काम हम आपको देते हैं. देखिए ऐसा है कि बरखा हमारा चेहरा देख चुकी है, हम वहाँ जा चुके हैं इसलिए वो हमें पहचानती है. तो हम आपको और चीते को वहाँ भेजेंगे. आपको खुफिया तरीके से जाके खुफिया कैमरा वहाँ लगाना है. बरखा को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोगों ने वहाँ पे कैमरा फिट किया है. का समझे? नहीं नहीं, दो लोग जाएंगे ना तो खामखा वो शक करेगी. चीते को भेज देते हैं. एक काम कीजिए, आप अकेली जाइए वहाँ पे. नहीं नहीं, चीते को लेकर जाते हैं ना. और दरखास्त नहीं कर रहे थे हम, ऑर्डर दे रहे थे. आप जूनियर है ना हमारे यहाँ पे. जाइए जाके काम कीजिए, काम पे लगिए, जाइए. ऑर्डर ही तो झाड़ती रहती, और कुछ आता है आपको? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, ऑर्डर फॉलो करेंगे हम, ऐसे कह रहे थे. घर आइए, बर्तन भी बहुत है आज, पूरा किचन निकाल के रख देंगे. आ जाओ. बाप रे बाप. प्रणाम दीदी, कैसी हैं? जी कहिए. हिंद गैस सर्विस, हिंद गैस सर्विस दीदी, हिंद गैस सर्विस दीदी. जी दिख रहा है. क्या क्या चाहिए? गैस का कंप्लेन आया है ना, वो कनेक्शन चेक करना है बस हमें. जी लेकिन हमने तो कोई कंप्लेन नहीं लिखवाया है. आपने नहीं करवाया है दीदी, पड़ोसियों ने करवाया है. पिछला बहुत सारा दिन से ना उन लोगों गैस रिसने का शिकायत आ रहा है. जी लेकिन हमें तो कोई बदबू नहीं आ रहा है. नहीं नहीं दीदी, क्या है कि अभी गैस के रिसाव का मात्रा थोड़ा कम होगा ना, इसलिए नहीं आ रहा होगा. जैसे ही गैस का रिसाव बढ़ेगा वातावरण में फैलेगा, फिर एक चिंगारी और तुरंत बदबू आ जाएगा. लेकिन सूंघने के लिए आप रहेंगी नहीं, उसी में जल के स्वाहा हो जाएंगी. ये ठीक बात तो नहीं है ना दीदी? नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है. ऐसा काहे कर रही हैं आप? देखिए ना, हम महिला कर्मचारी है ना साथ में, टेंशन का कोई बात नहीं है. नहीं नहीं, दरवाजा तो खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए ना, चेक करने दीजिए ना कनेक्शन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कहा है ना, मैडम सर पहला पड़ाव पार हो चुका, हम लोग घर के भीतर आ गए. हमें दिख रहा है, आगे बढ़ो. सामने ये जो फ्लावर पॉट है शेल्फ में नीचे की तरफ, वहाँ पर ये हिडन कैमरा रखने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ से पूरा एरिया कवर हो रहा है. बाथरूम कहाँ है आपका? जी मुझे लगा आप गैस कनेक्शन के लिए आए थे तो किचन के लिए पूछेंगे बाथरूम क्यों. हाँ, नहीं नहीं, मसला अभी भी गैस का ही है. मगर वो वाली नहीं, वो गैस जो हम पेट में भर के घर से लेकर आए हैं. जाना पड़ेगा वरना अगर लीकेज हो जाएगा ना. दीदी दीदी इनको बता दीजिए बाथरूम कहाँ है, नहीं तो ये कभी भी किसी वक्त भी कहीं पर ब्लास्ट हो सकती है.
तरफ। हाँ हाँ जी जी मैडम सर। आप जाइए जल्दी से, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आते ही होंगे और उनको बाहर के लोगों का घर में आना पसंद नहीं है। वैसे धन्यवाद दीदी, आज आपने दोनों गैस फटने से बचा लिया। दो दो गैस, एक किचन वाला एक। ये नहीं नहीं बुरा मान गया। तो अब इसका पति घर आएगा और हमें फाइनली पता चलेगा कि इस घर में चल क्या रहा है। जी मैडम सर, ये डंडा हमको बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा, तभी आप नैना मैडम के केस में ध्यान दे पाएंगी। वो उनका लीड क्या नाम है उसका, चरणदास, उसका फोन डिकोड हुआ, कुछ पता चला मैडम से उसके बारे में? अरे उसके फोन में इतने सारे कोड हैं कि एक न्यूक्लियर मिसाइल में भी इतने कोड नहीं होते होंगे। कुछ भी नहीं मिला, ना नंबर मिले हैं, ना कोई असली नाम मिला है, कुछ भी नहीं। नैना मैडम को आपका जरूरत है मैडम सर? सिर्फ हमारा नहीं करिश्मा सिंह, पूरे थाने का जरूरत है, उन्हें सबकी मदद लगेगी। इनफैक्ट बिल्लू भी नैना के साथ ही है, उसकी मदद कर रहा है केस में। गौर से देखो इसे। 26 पे बाहर है। ये जो आदमी है इसमें, उसने राइट हैंड में टेडी पकड़ा है और लेफ्ट हैंड से वो डोर बेल बजा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब मुझे बताना है। Yes, I got it. I got it. ये जो बेल है डोर बेल, वो गलत जगह प्लेस हुई है, राइट हैंड में प्लेस होनी चाहिए। बिलवा जी, इसका मतलब कि ये लेफ्ट हैंडेड है ना? अच्छा, लेफ्ट हैंडेड। ज्यादा से काम वो लेफ्ट हाथ से करता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड लोग बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे आदमी को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। जहां तक है कि वो 5 फीट का आदमी था और उसके राइट पैर में प्रॉब्लम था और वो ऐसे झुका हुआ था, तो ऐसे बहुत आसान है इस आदमी को ढूंढना। और मुझे पता है बिलवा जी, ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके लिए ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो चले? कहाँ चले, कहाँ चले बिलवा जी? ये ऐसे जैसे मैं करती हूँ वैसा। अपने दोस्तों से नहीं मिलाओगे? दोस्तों से मुखबिर खबरी फिर? नो, नहीं बार, सॉरी, ज्यादा हो गया। नो, नहीं बार, मतलब क्या है, हमारे नेटवर्क के रूल्स के खिलाफ है ये। मतलब कभी भी पुलिस वालों को खबरियों से नहीं मिलाया जाता। मतलब आप चाहो तो खबरियों को आपके पास, मतलब पुलिस वाले से मिलाया जा सकता है। उसके लिए हम अपॉइंटमेंट, मतलब मीटिंग अरेंज करेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। हाँ, दोस्त बन के चलेंगे। तो मीटिंग अरेंज हो जाए तो बुला लेना डेट पे। डेट पे मतलब इतने सारे दोस्त और अकेली लड़की, डेट्स। चलो। आहा। ए बाप रे, ए बाप रे, माय गॉड, मेरे पिताजी कहा करते थे, पुलिस और लड़की बेवजह मेहरबान नहीं होती। ये लड़की भी है, पुलिस भी है, मेहरबान भी है, तो वजह क्या है? ये इतनी इज्जत क्यों दे रही है, क्यों? खाना लगा दूं आपके लिए? खाना ही खाने आया हूं। अच्छा, लाती हूँ। जल्दी लाई। जी खा लीजिए। जी ठीक है ना? क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? आ बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बोला ना, बैठो।
आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ये तो लाल मिर्च पाउडर है। ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी मैया गई। इंसान है या जानवर? जानवर। प्लीज पानी दे दीजिए। खाना कहते हैं इसे? निवाला ना हुआ दहकता हुआ शोला रख दिया मुंह में। इतना मिर्चा? मैंने देख के बनाया था। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ और सीन क्रिएट कर रहा हूँ ना। यही तो करता हूँ ना मैं, छोटी छोटी बातों पे कमियां निकालता हूँ, बिना बात के कलेश करता हूँ, है ना? मैं दूसरा खाना लेके आती हूँ आपके लिए। अरे बैठो ना, बैठो। अरे यार मैं ऑफिस में क्या झक मारता हूँ, और वो बॉस, वो मेरा बाप है जो मेरी शक्ल देखने के मुझे पैसे देता है, लाखों का काम लेता है मुझसे, तब जाके चिड़िया का चुग्गा डालता है मेरी झोली में हर महीने। क्या पानी पानी? इतना वर्कलोड होने के बावजूद मैं घर आता हूँ लंच करने की बीवी के हाथ का खाना मिलेगा, और खाने के नाम पे मिलता क्या है? ये कचरा जिसे जानवर भी ना खाए। मैं टेस्ट करके बनाया था वो। तो तुम ही खाओ अपना ये 56 भोग। क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। पेट? मुझे खाने में मिर्चा बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी तुम मिर्चा डाल देती हो। एक सॉरी बोल देती ना प्लीज, मेरा पारा चढ़ाने की क्या जरूरत थी। उठो। पानी लो, लो पानी पियो, पानी पियो। ठीक हो? चलो मुझे एक प्यारा सा हग दो। आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। कैसा लगा? ठीक। मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। क्या खाओगी? कर दीजिए कुछ कुछ भी। जाहिर है इस तरह की औरतें बोलेंगी भी तो क्या बोलेंगी, इसलिए इस तरह की औरतें कभी कंप्लेन ही नहीं लिखवाती, क्योंकि ये जो शातिर पति है ये साबित कर देते हैं कि हर बार गलती बीवी की ही होती है, और ये तो भोले भाले मासूम बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से, देखिए चुन चुन कर कैसे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं इनके लिए। सी बुद्धिहीन चूरन लड़कियां मैडम सर ऐसे चलाक पतियों के छलावे में आ जाती है और सब कुछ सहती रहती है, और उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सड़ती रहेंगी नर्क में लेकिन आवाज नहीं निकलेंगी उनके मुंह से। काहे शादी काहे करती है ऐसी जड़ बुद्धि लड़कियां भाई। औरतों की बरसों पुरानी कमजोरी और मर्दों का उससे भी पुराना और पक्का वाला हथियार, प्यार का लॉलीपॉप। मैडम सर, इस परिस्थिति से निकलने में अभी 3 विकल्प हैं। पहला, या तो उनका पति यहाँ आए और अपने जुबान से सब कुछ कबूल कर ले, और दूसरा उनकी पत्नी आके अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दे। ये नहीं होगा।
वो कभी अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाएगी क्योंकि वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। और वो धूर्त पति कभी आकर नहीं कहेगा कि वो उसके साथ क्या कर रहा है। सो तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प तो वही हमारा सुपर हिट इलाज, पकड़ के लाते हैं, दो चार कंटाप लगाते हैं, सारा खाया पिया निकाल देंगे। तीन चार कंटाप में मैडम से सारा टंटा निपट जाएगा, बता रहे हैं। क्या बात कही दरोगा जी, वाह। वैसे खाने पीने से याद आया कि घी निकालने के लिए उंगली हमेशा टेढ़ी करनी पड़ती है, ये सिर्फ कहावत है। गैस पे घी थोड़ा गर्म करके भी तो निकल सकता है ना, कुछ और सोचो। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर सम्मान के साथ आपको याद दिला रहे हैं कि ये हमारे थाने का केस है और हमें काम आता है, अगर आप हमें काम करने दें तो। करो बिल्कुल, मैं भी तो वही चाहती हूँ कि हमारी हसीन इस केस से फ्री हो जाए और हमारे केस पे ध्यान दे। वैसे भी उसके बाल जा रहे हैं टेंशन ले लेकर। देखिए, हमें लगता है कि हमें एक बार बरखा से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जिस चीज को वो प्यार समझ रही है वो बस एक जज्बाती गुलामी है, जिसके चक्कर में उसका वजूद, उसकी सच्चाई, उसका रिस्पेक्ट, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हो सकता है हम उससे बात करें, उसे समझाए तो शायद उसे। नहीं, उससे बात हो ही नहीं सकती ना मैडम सर, बात कैसे होगी, वो बात ही नहीं करना चाहती है। सेफ्टी लैच लगा होता है एकदम, दरवाजे के झिर्रे में से देखती है और ऐसा लगता है जैसे हम उससे बात करने नहीं जा रहे, चंदा मांगने जा रहे हैं, वो बात करना ही नहीं चाहती है। सुनिए, सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं सबको बुला के लाइए। पुष्पा जी, मैडम आपने बुलाया हमें। जी हाँ, तो सुनिए, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आपको कौन नहीं जानता मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज हम यहाँ एक एक औरत की जिंदगी का अंधेरा खत्म करने आए हैं। ये रोशनी आप लोग देख रहे हैं, ये रोशनी उस आवाज का प्रतीक है जो हम सब में होती है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे जमीर, हमारी खुददारी की आवाज। लेकिन बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी इस आवाज को अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कि जुल्म सहना भी जालिम की मदद होती है। किसी पर जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। लेकिन तब क्या किया जाए जब दर्द और फर्ज के बीच का फर्क ही खत्म हो जाए, जब जुल्म सहना ही रिश्ते का दस्तूर बन जाए। आज यहां आप सब में न जाने कितनी औरतें होंगी जिन्होंने किसी न किसी अब्यूज को फेस किया है, किसी न किसी जुल्म को चुपचाप बिना कुछ कहे सहती आई है। हम सिर्फ फिजिकल अब्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेंटल टॉर्चर की, किसी के इमोशंस को गैसलाइट करने की, किसी को बार बार ये जताते रहना कि हर बार गलती सिर्फ तुम्हारी होती है, तुम कमजोर हो, तुम नाकामयाब हो, सारी गलती तुम में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है जो आप में से कई लोग सहते होंगे। और कमाल का बात यह है कि बहुत सारी औरतें इसे अन्याय नहीं समझती, घर बचाने का जरूरत समझती है। ये तो होता ही है, ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है, सब चलता है। ये मानसिकता जो है ना, कोई धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपके अस्तित्व को खा रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा है। इससे बड़ा धोखा आप अपने आप को और क्या देंगी। इसलिए ऐसी औरतें चुप हैं और जो उनके साथ हो रहा है वो चुपचाप होने दे रही हैं। और इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप में से एक औरत ऐसी है जिसके साथ ये सब हो रहा है और जो चुपचाप सह रही है। हम उसे बताना चाहते हैं कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं उसके साथ
तो आइए मिलाइए इस लॉ से लॉ और दीजिए हमारा साथ ताकि हम आपकी मदद कर सकें। बरखा का बाहर आना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक वो खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तब तक कोई उसकी मदद नहीं कर सकता।